हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रेखा और स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं बनाने जा रही हूँ मसाला कॉर्न। इसे हम टी टाइम स्नैक्स में बना सकते हैं और ये बहुत ही हेल्दी होती है, तो इसे आप ज़रूर बनाएं। और ये बच्चों को बहुत ही पसंद आती है, तो आप देख सकते हैं कितनी टेम्पटिंग दिख रही है ये। और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, जैसे हम मॉल में खाते हैं ना, वैसा ही इसका टेस्ट आता है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। मसाला कॉर्न बनाने के लिए मैंने यहाँ पे पैन में 1 गिलास पानी को बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 कप अमेरिकन कॉर्न यानी कि फ्रोज़न कॉर्न, और इसे हम बॉईल होने देंगे कम से कम 5 मिनट के लिए। तो इसे आप इस तरह से चलाते हुए बॉईल कर लें। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, तो इसका पानी हम ड्रेन कर देंगे। ड्रेन करने के बाद मैंने सेम पैन को गरम कर लिया है। गरम होने के बाद इसमें मैं डाल दे रही हूँ जो हमने बॉईल करके कॉर्न रखा हुआ था, उसे इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून बटर। तो यहाँ पे इसमें आप बटर ही डालें, ऑयल ना डालें, ऑयल से इसका टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। बटर को हम 2 मिनट तक सौते कर लेंगे जब तक कि बटर मेल्ट ना हो जाए। और थोड़ी देर सौते करने के बाद आप देख सकते हैं बटर मेल्ट हो चुका है अच्छी तरह से, और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है यहाँ पर। तो यहाँ पे गैस को हम बंद कर देंगे और इसे हम एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बोल में इसे ट्रांसफ़र कर लिया है। अब इसमें हम मिलाएंगे थोड़े से मसाले। तो यहाँ पे मैं 1 टीस्पून जितना लाल मिर्च पाउडर डाल रही हूँ, आप लाल मिर्च कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 चम्मच हम डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1 चम्मच जितना हम डाल देंगे चाट मसाला। तो यहाँ पे मसाले आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और नमक डाल देंगे हम 1/2 टीस्पून, और इसे हम मिला लेंगे अच्छी तरह से। तो एक बार इसे मिलाने के बाद इसमें हम डालेंगे नींबू का रस। तो यहाँ पे मैंने इसे मिला लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1/2 जितना नींबू का रस। तो 1 नींबू को आप 1/2 कर लें, जैसे 1 टेबल स्पून हमें नींबू का रस चाहिए। तो इसमें आप इसे निचोड़ दें, और निचोड़ने के बाद इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पे इसे अच्छी तरह से आप मिक्स कर लें, और मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं मसाला कॉर्न हमारा रेडी हो चुका है। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है ये। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ 1 टीस्पून जितना हरी धनिया की पत्ती। ये ऑप्शनल है, मॉल में ये नहीं डलता है, मुझे ये बहुत पसंद है। डालने के बाद इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है, तो आप चाहे तो इसे डाल सकते हैं, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे मैं एक छोटी सी वाली ग्लास में सर्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे ये लीजिए, बनके तैयार है हमारा मसाला कॉर्न। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। इसे बनाने में हार्डली 10 मिनट लगते हैं, तो आप इसे कभी भी बना सकते हैं। और इसका टेस्ट एकदम मॉल जैसा ही आता है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करके देखें। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।